हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। 13 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के, 8.6 के। सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हर क्वेश्चन आया हुआ देखो इसका, एक बार नहीं क्या दो दो तीन तीन बार भी आए हुए हैं इस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इसलिए इसको अच्छे से समझना है। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट आती है तो आप जूम क्लासेस में मुझसे पूछ सकते हो। तो सबसे पहले आप ये स्टेप और लिखना, क्या कि लेट लेंथ ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर, ये जरूर लिखना है तुम्हें, ठीक है। देन पैरामीटर ये होगा। अब पैरामीटर जो है ना, इन दोनों का सम क्या हो गया, पी मान लिया मैंने, इन दोनों के सम का मतलब पैरामीटर्स का सम मैंने दे रखा है, पी मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से एक्स निकाल दो, आर निकाल दो, जो आपकी मर्जी वो निकाल लेंगे, क्योंकि एक वेरिएबल को हमने जो जिसको मिनिमम और मैक्सिमम दिखाना है ना, वो दो वेरिएबल मिलेगा, उसको सिंगल वेरिएबल में बदलने के लिए ये चीज़ काम आएगी, ठीक है। तो चाहे यहाँ से एक्स निकालो, चाहे यहाँ से आर निकालेंगे, चलो देखेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जिससे आसान काम होगा मुझसे करेंगे। तो इसको मैं फिलहाल यहीं छोड़ रहा हूँ पेंडिंग, ठीक है। अब क्या कहता है कि देखो, शो दैट द सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट, इनके स्क्वायर का जो सम है, सॉरी इनके एरिया का जो सम है, दोनों का जो एरिया होगा उसका जो सम है वो लीस्ट होगा। लीस्ट मतलब मिनिमम होगा, कब होगा, व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखो हमें क्या दे रखा है, ये तो दिया हुआ है, गिवन, दिस इज गिवन, ठीक है। टू प्रूव पता क्या करना है, कहता है इनका जो है ना सम ऑफ एरियाज, इन दोनों का जो एरिया का जो सम है इज लीस्ट, वो क्या लीस्ट होगा, कब, व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो साइड क्या है स्क्वायर की, एक्स है, किसके इक्वल होगा, डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर क्या होगा सर्कल का, 2r, ये दोनों इक्वल होंगे तब जाके इसका एरिया क्या होगा, लीस्ट होगा। ये हमने प्रूव करना है, पता लगे आपको कि इसके एरिया का सम क्या करना है, लीस्ट दिखाना है, और कब होगा ऐसा, जब x इक्वल टू 2r होगा, तो ठीक है। तो प्रूफ देखो, प्रूफ करते हैं, ठीक है बेटा, कर दो स्टार्ट करो। तो एरिया का सम मालूम, लेट ए बी द सम ऑफ एरिया, दोनों के एरिया का सम ए मान लेता हूँ। इसका सम क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होगा ना एरिया का, ये तो स्क्वायर का एरिया आ गया, प्लस इसका एरिया निकालो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो गया, नहीं होगा, दोनों के एरिया का सम जो ए है इसको क्या करना है हमने, लिस्ट दिखाना है। और ये कब होगा, जब एक्स इज इक्वल टू 2r, एक्स इज इक्वल टू 2r भी प्रूव करना है हमने, और इसका सम का एरिया क्या करना है, लिस्ट दिखाना है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो, ठीक है बेटा, अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो। तो अब इसमें देखो कितने वेरिएबल हैं, दो हैं, एक्स और आर, क्या करना है इसको, सिंगल वेरिएबल में बदलना है, किस में बदलना है, सिंगल वेरिएबल में। तो इसका यूज़ करेंगे, तो चाहे यहाँ से एक्स निकालो चाहे आर निकालो, बात एक ही है, क्यों है ना, एक ही बात है ना। तो अपन क्या करेंगे यहाँ से, चलो एक्स के लिए निकाल लेता हूँ मैं, एक्स के लिए, एक्स क्या हो गया यहाँ पे, पी माइनस के टू पाई आर आए, और अपन कितना आएगा, फोर, ये लो ये होगी एक्स के लिए। तो क्या करोगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ए क्या बनेगा, बताओ, एक्स की जगह रख रहा हूँ मैं पी माइनस टू पाई आर अपन फोर, इस सारे का तो होल स्क्वायर, प्लस में पाई आर स्क्वायर था अपने पास, ये क्या है, दिस इज एरिया। इसमें कितने वेरिएबल हैं, ओनली वन वेरिएबल आर, ठीक है, पी इज नॉट वेरिएबल, ध्यान रखना यहाँ पी वेरिएबल नहीं है, आर वेरिएबल है, पी तो दे रखा था मैं, सम ऑफ पैरामीटर दे रखा था, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये क्या होगा, पी माइनस टू पाई आर का होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। अब देखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, बस इसको मिनिमाइज करना, तो कर दो 11, दिक्कत नहीं आएगी, 1/16 तो कॉन्स्टेंट है, इससे क्या होगा, 2 पावर आगे, पावर में से कम कर देंगे, इनटू में इस बेस का करेंगे डेरिवेटिव, इसका जीरो, इसे क्या होगा, माइनस का 2 पाई, ठीक है बेटा, इसे क्या होगा, 2 पाई आर कर दिया मैंने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, दोनों में क्या कॉमन, दोनों में बोलो भाई 2 पाई आर, चलो पढ़े तो इस पर, यानी डी ए बाई डी आर को मैं ढंग से लिख देता हूँ, क्या क्या कहता हूँ, पी माइनस का 2 पाई आर अपॉन 8 है ना, अच्छा ये और काट देंगे इसको, ठीक है, पाई बाई 4 आएगा यहाँ पे, और ये नेगेटिव साथ आएगा, ठीक है, माइनस का पाई भी तो आएगा, माइनस पाई इंटू दिस प्लस दिस, यहाँ पे 2 पाई आर है, ठीक है, ये आया। फिर लिखो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, इसके क्या होगा, डी ए बाई डी आर स्क्वायर हो जाएगा, इसे क्या होगा, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है माइनस का, इसे जीरो, इसे क्या होगा, माइनस है 2 पाई प्लस 2 पाई एल, तो क्या बताओ, पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 पाई, ये दोनों क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव आ गया,
है ना, इनका सम तो पॉजिटिव आएगा, सो एरिया इज लीस्ट येलो, सम ऑफ एरिया क्या हुआ, लीस्ट हो गया। हो गया भाई, ये तो क्या प्रूफ। अब क्या करना है, फोर एक्स इक्वल टू टू आर और दिखाना है, तो क्या लिखोगे, फोर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करेंगे, मतलब पुट करेंगे डी ए बाई डी आर को जीरो के इक्वल, फर्स्ट एड को जीरो के इक्वल रखते हैं, ये इसको रखेंगे जीरो के इक्वल, तो पी माइनस के टू पाई आर इंटू में पाई बाई फोर पूरा प्लस टू पाई आर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको इधर लेंगे तो यहाँ क्या होगा, टू पाई आर बचेगा, ये इधर जाके क्या होगा, पॉजिटिव जाएगा, टू पाई आर इंटू में पाई अपॉन फोर ये आएगा, ठीक है, पाई से पाई कर देगा, इसको इधर लेंगे ये क्या होगा, एट पाई ना एट आर, ये क्या बचेगा, एट आर, ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ तो बचेगा एट आर, चार तो नहीं आठ आर हो गया, ये क्या पी माइनस टू पाई आर, पी माइनस टू पाई आर, तो ऐसे पी को निकाल देंगे तो एट आर प्लस टू पाई आर हो जाएगा, नहीं सही है ना, ठीक है बेटा, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, देखो फर्स्ट क्या था, एक्स इज इक्वल टू क्या था, पी माइनस टू पाई आर अपॉन फोर था, तो पी की जगह लिख देंगे ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी, पी के लिए ये थी, ये मैंने यहाँ रख दी पी की जगह, माइनस टू पाई आर और था अपने पास, ये और कर देगा, क्या होगा बताइए, टू आर बचेगा नहीं बचेगा, फोर एट आर अपॉन फोर क्या होगा, टू आर तो होगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा, टू आर आ गया, तो क्या हो गया बोलो, स्क्वायर का जो साइड है वो किसके इक्वल हो गया, डायमीटर ऑफ सर्कल के इक्वल हो गया, तो ये प्रूव करना था हमने, ये भी हो गया, और पैरामीटर क्या थे ना, इसका जो सम ऑफ एरिया क्या करना था, लीस्ट दिखाना था, वो भी हमने दिखा दिया, नहीं रहा एरिया इज लीस्ट एंड एक्स इक्वल टू आर, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना, सिंपल है, बिल्कुल आसान है, ठीक है, ऐसे आप आगे देखो, 15वां और 15 के दो पार्ट है, दोनों में से एक का मैं हिंट दूंगा, फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट पूरा करा दूंगा, ठीक है। फर्स्ट में देखो क्या कहते हैं, एक टैंक है विद ओपन सरफेस, सरफेस ऊपर से ओपन है, मतलब उसकी छत नहीं है, ठीक है, इज़ टू कंटेन 500 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर, क्यूबिक फीट किसको शो करता है, वॉल्यूम को शो करता है, किसको करता है, वॉल्यूम को, इट मीन्स क्या हो गया, हमें वॉल्यूम ऑफ टैंक दे रखा है, तो लिखोगे वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना, 500 क्यूबिक फीट, फीट के ऊपर क्यूब लगा देंगे, हो गया, अच्छा जी। अब क्या देखो, इसका ओपन सरफेस है, तो सरफेस ओपन ऊपर मतलब क्या हो गया, लेट, और स्क्वायर बेस इसका कैसा है, स्क्वायर बेस है, तो क्या होगा, टैंक का जो वॉल्यूम ना, लेट हम मान लेंगे, लेट लेंथ ऑफ टैंक हम मान लेते हैं एक्स फिट, ठीक है, ब्रेड्थ भी मान लेंगे एक्स, एक्स क्यों लेंगे, क्योंकि स्क्वायर बेस है, बेस स्क्वायर मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई सेम होगी, और डेप्थ, डेप्थ मान लेंगे गहराई, हाइट मान लो तो डेप्थ मान लो, डेप्थ ऑफ टैंक कितना जाएगी, एच मान लो, एच फिट ये लो, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम दे रखा था, तो लिखो वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा, टैंक कैसा होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एच आएगा, ये मैंने देखा 500 ये लो, तो एच के लिए क्या होगी, 500 अपॉन एक्स स्क्वायर ये लो, ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ टैंक, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक से हमने एच निकाल दिया। अब हम क्या दे रखा है पता है, अब हम क्या दे रखा है, फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ लाइनिंग, इस पर लाइनिंग का काम चल रहा है, उसकी मिनिमम कॉस्ट निकालने, क्या निकालेंगे, उसकी मिनिमम कॉस्ट, और कॉस्ट हमें क्या दे रखा है, 60 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर फीट का मतलब क्या हो गया, एक स्क्वायर फीट का जो एरिया है उस पर लाइनिंग करने का खर्चा कितना है, 60 रुपये, ठीक है, तो पूरे एरिया का, पूरे टैंक का एरिया निकाल देंगे, उस पर कितना खर्चा आएगा, 60 से गुणा कर देंगे, क्यों, तो ये लिखोगे नाउ टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस पे तो हो रही है लाइनिंग ऑफ टैंक, टैंक का टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो देखो क्या होगा, पहले फर्श का निकालते हैं, फर्श क्या है, सर्कुलर ना स्क्वायर है, क्योंकि एक्स चौड़ाई है और एक्स क्या उसकी लंबाई है, तो स्क्वायर क्या होगा, फर्श का एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया फर्श का एरिया, प्लस चारों दीवार जोड़ेंगे, ठीक है, तो एक दीवार के लिए क्या होगा, एक्स गुणा एच एक्स एच, तो चार दीवार क्या होगा, फोर एक्स एच, चलो ये आएगा टोटल सरफेस एरिया, ये आया इतना स्क्वायर फिट, किसका एरिया, टैंक का, लाइनिंग इसी के ऊपर हो रही है,
एक स्क्वायर फीट खर्चा 60 रुपये, तो इतने स्क्वायर फीट का खर्चा क्या हुआ, 60 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, लिखोगे नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ लाइनिंग, लाइनिंग का टोटल खर्चा कितना है बताओ, कितना है 60 कर देंगे, बोला पता क्या वो चलो कितना रुपये आएगा, रुपये लिखना आगे, ठीक है। अब क्या करोगे देखो, तो सी की वैल्यू आ गई, सी की कितनी आई, सी मतलब कॉस्ट मान लिया, मैंने सी मान लिया लो इतना रुपए, ठीक है। इसको मिनिमम करना है, क्या करना है, इसको मिनिमाइज दिखाना है। इसमें दो वेरिएबल हैं, इसको सिंगल में बदल देंगे, एच क्यू हमने निकाल रखे 500 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस निकाल रखी हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कर दो शुरुआत, ले लो 2000 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक काम करो ना, क्या 2000 बटे में एक्स बचेगा, लो एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब आप खुद करोगे इसको, आगे कर लेना मैं, अब क्या करोगे इसका, ये वो फंक्शन तैयार हो गया जिसको हमने मिनिमम दिखाना है, कर दोगे। अब दो बार करेंगे इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल रखेंगे, वहाँ से एक्स की वैल्यू जाएगी, एक्स की वैल्यू सेकेंड डेरिवेटिव में रखना, वो आपको पॉजिटिव मिलेगा, तो क्या देंगे कॉस्ट इज लीस्ट, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या होगा लेंथ ब्रेथ और हाइट आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये अब आगे आप खुद कर लेना, मैंने आधा क्वेश्चन करा दिया, आधा आपके ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। 15 का सेकेंड पार्ट है, मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें आसान है अगर आप समझ रहे हो तो। क्या कहता है, एक मेटल बॉक्स है विद स्क्वायर बेस, एक मेटल बॉक्स है जिसका बेस कैसा है स्क्वायर, चलो बना देता हूँ, पिछले में बनाना चाहिए था डायग्राम, कोई बात नहीं आप समझ जाओगे। इस तरह से टैंक था, इसी तरह से क्या है बॉक्स है, ठीक है। बात एक ही देखो, ये क्या है टैंक है, और ऐसा क्या है बॉक्स है, ठीक है। क्या कहता है विद स्क्वायर बेस, स्क्वायर बेस मतलब क्या होता है, ये अगर लेंथ एक्स है तो ये ब्रेथ भी एक्स ही होगी, ये बेस, उसमें भी ऐसे बना लेना डायग्राम बनाना चाहो तो, ये दोनों सेम है, ठीक है, एक्स एक्स है। अब क्या कहता है देखो यहाँ पे, और उसके अंदर क्या है कितना सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, ये इसका वॉल्यूम दे रखा है, सेम वही बात है, उसमें टैंक का वॉल्यूम दे रखा है, इसमें बॉक्स का वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स दे रखा है कितना, 1024 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये दे रखा है, ठीक है। द मटेरियल ऑन द टॉप एंड बॉटम कॉस्ट 5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द मटेरियल यूज फॉर साइड्स कॉस्ट 2.5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द बॉक्स। उसमें तो सारा एक जैसा खर्चा था, 60 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से था खर्चा लाइनिंग का। यहाँ पर क्या कहता है, जो मटेरियल यूज़ हुआ ना इसको बनाने के लिए उसका खर्चा दे रखा है, छत का और जो फर्श है उसका खर्चा दे रखा है 5 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, और जो साइड्स हैं इसकी जो दीवारें हैं उसका खर्चा कितना है 2.5 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से। तो कहते हैं इसकी जो कॉस्ट है कि ना बॉक्स की, वो मिनिमम प्रूव करो, मिनिमम कॉस्ट निकालने में। तो करें स्टार्ट, देखो सेम वैसा ही है, उसमें क्या था, ये ऊपर से ओपन था, यहाँ पे ये क्लोज है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन लेंथ तो मान ली मैंने एक्स, तो उससे पहले लिखना है लेट लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू एक्स, बेस स्क्वायर था तो ब्रेथ ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, हाइट ऑफ बॉक्स निकाल देंगे एच मान लेंगे, ये एच हो गया, ये क्या हाइट है, ठीक है भाई। अब क्या कहता है, ये जो छत है इस पे, तो छत पे और इस फर्श पे तो अलग मटेरियल यूज़ हो रहा है, और इस पे चार दीवार पे क्या अलग मटेरियल यूज़ हो रहा है, उनका खर्चा अलग अलग हिसाब से हमने दे रखा है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स भी रखा तो इसका तो यूज़ कर लो कम से कम। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये कितना जाएगी 1024, तो ऐसे एच निकाल दूँ 1024 इंटू एक्स अपॉन एक्स के, ये आ गया, इसका यूज़ करेंगे। अच्छा क्या करेंगे, अब टोटल सरफेस निकाल देंगे, नहीं नो लिखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूफ एंड फ्लोर, बेस बेस का या रूफ का एक ही बात है, फ्लोर या बेस एक ही तो बात है। इसका निकालो पहले, ये देखो बेस ही रहा, लेंथ एक्स है ब्रेथ एक्स है, तो इसका एरिया होगा एक्स स्क्वायर, इसका भी तो सेम ही होगा, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x² सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर टोटल
सरफेस एरिया लिखना, एरिया, एरिया ऑफ साइड्स, साइड का निकालो, अलग से निकालो साइड का, इसके इस साइड का निकालो पहले मैं, इसकी लेंथ एक्स है, ब्रेथ एच है, तो क्या होगा, एक्स माना एक्स एच एक्स एच एक्स एच ये एक्स एच ये एक्स एच ये चार दीवारों का, तो क्या होगा फोर एक्स एच, ये हो जाएगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का अलग अलग निकाल दिया मैंने। अब लिखो ना टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज फॉर रूफ एंड बेस फ्लोर के लिए टोटल खर्चा निकाल दो। इसमें देखो ये इसका टोटल रेट कितना है, टू एक्स स्क्वायर, रूफ का जो खर्चा दे रखा है हम कितना, ₹5, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर, तो ₹5 पर स्क्वायर मीटर का एक स्क्वायर मीटर का खर्चा है, टोटल इतना स्क्वायर मीटर एरिया है, तो क्या करेंगे इसको 5 से गुणा कर देंगे, लो इतना रुपया आएगा, इतना होगा 10 x² ये आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ। अब साइड से निकाल लो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बोलो साइड्स, साइड के खर्चे कितने हैं यहाँ पे बताओ, कितने हैं 4xh, टोटल एरिया 4xh है, और जो खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है, ₹2.5 के हिसाब से आ रहा है, उसको 2.5 से गुणा करते हैं, तो कितना आएगा 10 x² ये आ गया। अब लोगों को ना टोटल कॉस्ट निकाल देंगे, टोटल कॉस्ट दोनों के टोटल कॉस्ट कितने होंगे कुल मिला के, 10x² ये है और यहाँ क्या होगा 10x ये है, ठीक है टोटल खर्चा आ गया, इसको सी मान लो सी, ठीक है ये आ गया। अब क्या करना है, अब इसको क्या करना है, मिनिमम दिखाना है, तो अब कर दोगे, अब क्या करना है, इसमें दो वेरिएबल हैं तो क्या करेंगे, इसको सिंगल वेरिएबल में बदलेंगे, कैसे बदलोगे, एच की वैल्यू मैंने निकाली हुई ऑलरेडी, वो इसमें रख देंगे, ठीक है 10x × h जगह क्या रखेंगे 1024/x², एक एक्स एक्स कर देगा, फिर 10x² प्लस में 10240 ये आ गया सी। अब कर दोगे और देखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है यहाँ पे, इसका क्या बताओ 20x इसे क्या होगा -10240/x², तो कर देंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर कर देंगे तो क्या 20x आएगा, ये होगा प्लस हो जाएगा, इसका डबल क्या होगा 20480/x³, ये पॉजिटिव लेगा, एक्स क्या है साइड की लेंथ है, तो ये तो पॉजिटिव आती है हमेशा, कुल मिला के ये हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, आपको देख लेना। सो क्या लगेगा, सो सो कॉस्ट इज लिस्ट, ठीक है चलो, एक तो प्रूव हो गया मिनिमम कॉस्ट हो गया, नहीं लिस्ट कॉस्ट हो गई, ये कॉस्ट भी हमें निकालनी है, तो एक्स एच क्यू निकालेंगे, तो फोर वैल्यू ऑफ एक्स क्या करना है, डी सी बाई डी एक्स को जीरो के को लिखेंगे, डी सी बाई डी एक्स वैल्यू ये है इसमें जीरो के पर, तो क्या होता है 20x − 10240x² = 0, ठीक है तो 20x = 10240/x², तो ये क्या होगा क्रॉस में अप्लाई कर देंगे x³ हो जाएगा, तो और इसको लेंगे बटे में 10240/20 काट देंगे इसको 512 आ जाएगा, है ना, अच्छा x³ 512 किसका क्यूब होता है 8 का होता है मेरे ख्याल से, है ना, तो क्या होगा x³ 8 आ गया, x आ गया, तो h निकाल दो, एच इसमें रख देंगे फ्रॉम फर्स्ट में 1024 × 8 8 का स्क्वायर था, तो क्या बताओ 1024 × 8 काट देंगे इसको, पहले 8 से काटेंगे 8 × 8 बच के 2 8 × 2 = 16 बच के 6 फिर काट देंगे 8 से काट देंगे 8 × 8 और 8 से काट देंगे 16 आ गया, ठीक है ये आ गया एच आ गई और एक्स आ गया। अब क्या करेंगे, आप लिखो यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट निकाल देंगे, तो क्या करेंगे इसमें जब सी के में आई ये था सी, इसमें जहाँ एक्स और एच आई वहाँ पर रख देंगे वैल्यू 10 × x² एक्स वैल्यू क्या 8 करके हो जाएगा 10xh, एक्स कितने यहाँ पे 8, एच कितने यहाँ पे 10 नहीं 16 ले लो, तो क्या 64640 तो ये हो गया, ये क्या बताओ 80 करेंगे इससे गुणा 1280 हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे लो
बारह एक्सेल बाई एक नौ हेलो आएगा 1920 रुपये। क्या आंसर आएगा? 1920 रुपये आंसर आएगा। ठीक है, ये होगी इसकी मिनिमम कॉस्ट, ये क्या होगी इसकी मिनिमम कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, आसान है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, इजीली कर लोगे आप। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पेज नंबर 14 का। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सारे सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, बस आपने घर जाके मतलब घर पे बैठे इनको पढ़ने बस अच्छे। ठीक है, अरे नहीं छोड़ो, पेज नंबर है 14। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। 16 क्या कहते हैं, ए 40 स्क्वायर फिट ऑफ सीट मटेरियल आर टू बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ओपन टैंक विद स्क्वायर बेस। ठीक है, फाइनल डायमेंशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। जो क्या कहता है, एक सीट का मेटल सीट है अपने पास, उसका एरिया दे रखा है हमें 40 स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट से यही देख के बताया मैंने कि एरिया दे रखा है। ठीक है, उसका यूज़ कर रहे हैं क्या ओपन टैंक बनाने में, और उसका बेस कैसा स्क्वायर है। तो कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। देखो ये क्या है, मेटलिक सीट है। तो ये क्या मेटलिक सीट है, इसके अंदर मैंने एक्स मान ली, बेस मैंने वाई मान ली। ठीक है, मेटल सीट दे रखी मैंने, एक्स और वाई दे रखा मैंने। अच्छा, इसका देखो क्या करोगे, इसका हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। तो लिखो यहाँ पे एरिया ऑफ मेटलिक सीट रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर फीट दे रखा है, तो कोई बात नहीं, फिट स्क्वायर करते हैं, क्या दिक्कत आ गई, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अच्छा अब क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे जब हम वैसे तुम्हें इसकी ये एक्स और वाई मानने की जरूरत नहीं थी, छोड़ दो इसको, एक्स वाई मत मानना। ठीक है, ये मेटलिक सीट है, इसका एरिया में दे रखा है। इस सीट का यूज़ कहाँ कर रखा है, एक ओपन टैंक बनाने में यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ओपन टैंक बनाने में। तो टैंक बना के दिखाऊँ तुम्हें, देखो ऐसे टैंक बन जाएगा, लेकिन ध्यान रखना ये टैंक कैसा है, ओपन है। कैसा टैंक, ओपन है, इसकी छत नहीं है। तो क्या इसके पास ये, एक तो ये वाला पोर्शन है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला भी है, लेकिन पिछली दीवार भी है। ठीक है, ऐसा क्या, वो अब क्या कहता है, देखो ध्यान से, इस टैंक का बेस स्क्वायर है, तो ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स मान लेता हूँ, लेंथ और बेड्स क्या मान ली मैंने, सेम मान ली, तो ये क्या होगा, हाइट एच हो जाएगा। तो लिखोगे लेट लेंथ ऑफ टैंक इज इक्वल टू एक्स फिट, ब्रेथ ऑफ टैंक इज इक्वल टू एक्स फिट। ठीक है, डेप्थ कह दो या हाइट ऑफ टैंक कह दो, क्या हो गया बताओ, एच फिट। अब देखो ध्यान से सुनो, जो कि समझने के ना वो अब समझो, क्या कहता है, टैंक किससे बने, इस मेटेलिक सीट से बने। इट मीन्स जितनी बड़ी सीट ये होगी उतना बड़ा टैंक बनेगा, जितनी छोटी होगी उतना छोटा बनेगा। इट मीन्स टैंक का जो साइज़ है वो इसके साइज पर डिपेंड करता है। इसमें क्या हो गया, इन दोनों का एरिया सेम है, तो ये इंटरेक्ट वे में हो गया। अब यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, बिकॉज टैंक इज मेड अप बाय मेटलिक शीट, है ना। टैंक किससे बना है, मेटलिक शीट से बना है। सो एरिया ऑफ टैंक इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ शीट, सुन में नहीं आई, और एरिया ऑफ शीट 40 दे रखा हमें, तो एरिया ऑफ टैंक आ जाएगा। लो इंडायरेक्ट वे में हमें एरिया ऑफ टैंक दिया हुआ है, याद रखें इंडायरेक्ट में एरिया ऑफ टैंक दिया हुआ है, पता लगे आपको। तो टैंक का एरिया निकालो, क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा ओपन है, ऊपर का छत का एरिया छोड़ देंगे हम, चारों दीवारों का और फर्श का निकाल देंगे। फर्श का एरिया क्या होगा, एक्स गुना एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका आप निकाल दोगे, किसका बोलो, इसके उसका और निकालो, चारों दीवारों का क्या होगा, 4xh, ये हमें दे रखें। ठीक है, 4xh इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स स्क्वायर, और h बिल क्या हो गया यहाँ पे, 40 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन
फोर एक्स, ये आ गया आपका h, ठीक है, हाइट आ गई। कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें, नहीं है ना, h आ गया। आप क्या कहते हैं, देखो अब क्या कहते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है, क्या दिखाना है इसका वॉल्यूम। तब लिखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टैंक, निकालो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ टैंक, लंबा गुणा चौड़ा गुणा ऊंचाई, यही तो होगा। तो देखो इसका वी, वी क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इसको मैंने मैक्सिमम करना है, क्या करना है इसको मैक्सिमम दिखाना है, ठीक है। तो मैक्सिमम दिखाना है, इसका वॉल्यूम भी निकालना है, मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है। तो कोई बात निकल जाएगा आराम से, कैसे एच की वैल्यू इसमें रख देंगे। देखो बेटा आपने एक फंडा देखना है, मैंने आपको क्या कहा था, हर क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो दिया हुआ क्या है और एक किसको मैक्सिमम किसको मिनिमम दिखाना है। इसमें हमें एरिया ऑफ टैंक दे रखा था, उससे हमने एक वेरिएबल निकाल लिया, फिर क्या दूसरा वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम हमने देखा दो वेरिएबल में, ठीक है। तो इसको सिंगल वेरिएबल में बदलने के लिए ये वाला यूज़ कर देंगे। तो जो दे रखा होता है ना, उससे एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के और जो मैक्सिमम और मिनिमम दिखाना है उसमें हम पुट करते हैं, ताकि वो सिंगल वेरिएबल में बदल जाए। इसी फंडे के ऊपर हम पूरी पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम, तो करें स्टार्ट। अब एक्स एक्स कर देगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी एक्स जो बच गया उसको कर देंगे मल्टीप्लाई, ये आएगा वॉल्यूम। अब कर दो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वी बाई डी एक्स, बोलो कितना आएगा, इसकी जगह 40 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब कौन में 4 तो आएगा, क्यों 1/4 कॉन्स्टेंट ले लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब क्या करोगे, सेकंड कर दो डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसे क्या होगा 1/4 तो कॉन्स्टेंट है, इसका क्या होगा माइनस एक्स एक्स, तो कितना होगा माइनस 3/2x आ जाएगा। तो नेगेटिव है, क्यों, x हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्यों, x क्या था लेंथ और ब्रेड्थ है, x ही आ जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे बताओ, तो सो के लिखो, सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, है ना, वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा, एक तो ये हो गया प्रूफ, मैक्सिमम वॉल्यूम तो हमने प्रूफ कर दिया कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना भी है, तो क्या करेंगे, फोर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करना बताओ, पुट करना है किसको, किसको डी वी बाई डी एक्स को, जीरो इक्वल फर्स्ट डेरिवेटिव को, जीरो इक्वल रखेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना है, ये अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव, तो रखेंगे जीरो इक्वल, तो यहाँ से क्या होगा, ये तो जीरो हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के लिए क्या बताओ 40 अपॉन 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर के लिए क्या आएगी 40 अपॉन 3। अब क्या करना है, एक्स निकाल दो, रूट ऑफ 40/3 और ये फिट में आएगा, पता लगे आपको, ठीक है, ये कर दो, ये तो आ गया एक्स मतलब लेंथ और ब्रेड्थ आ गया, एच निकाल दो, तो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू रूट 40/3 इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में रख देंगे यहाँ पे, यहाँ रख देंगे, एच कितना होगा 40 माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे 40/3 रख देंगे, चलो ठीक है, एच आ जाएगा, तो सॉल्व करो, एक्स तो 80/3 आ गया, तो गुना में 4 ये पलट जाएगा, ठीक है, 20 आया तो 20, ये √3, ये 3 क्या हुआ, √3 बचेगा, या नीचे √40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा तो √10, चलो 10 तो क्या हुआ 10/√3 आ जाएगा, फिट ये आ गया, हाइट आ गया हाइट। अब हमें मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना पड़ जाए, तो क्या लग हो गया, लिखना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू, बोला क्या होगा एक्स एक्स स्क्र इंटू एच है वॉल्यूम, तो एक्स एक्स स्क्र एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पे 40/√3, इसका तो स्क्वायर हो गया, ये तो था एक्स की वैल्यू, है ना, इंटू एच एच क्या रखेंगे, तो कितना बताओ 40/3 गुणा में क्या होगा √10/√3, तो ये आ गया, क्या ये फिट था ना, क्यूबिक फिट, ये जरूर लिखना है, यूनिट जरूर लिखा करो। ये आ गया मैक्सिमम वॉल्यूम, ये एच और ये क्या है एक्स आ गए, लेंथ ब्रेड्थ आ गए टैंक की, सब चीज़ें मैंने निकाल दी। थोड़ा सा एक चीज़ और लिखा करो, लेट लेंथ ऑफ टैंक इज इक्वल टू एक्स, ब्रेड्थ इज एक्स, तो ये जरूर लिखा करो, ठीक है।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो मुश्किल तो नहीं है ना क्वेश्चन नंबर 16 के पूरे, ठीक है। अब जो पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अगले अगले उसमें कराते वीडियो में, ये वीडियो तक काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है।